नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इसी YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में टैक्सेशन और स्टेशनरी से रिलेटेड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना सीखेंगे। अगर आप टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में टैक्सेशन और स्टेशनरी से रिलेटेड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो हमें किस तरीके से करनी होती है, क्योंकि हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के बाद हम जस्ट अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक सेटिंग्स ऐसी होती है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो टीडीएस है या फिर वो टीसीएस है, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग हमें कोई भी अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री करने से पहले करने कंपलसरी होती है। क्योंकि अगर हम इन ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारे ऑप्शन है वो डिसेबल ही रहते हैं, जिसको ऑन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट वो प्रैक्टिकल और बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि हमें कंपनी की टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद जीएसटी, टीडीएस या फिर टीसीएस से रिलेटेड कौन कौन सी बेसिक सेटिंग हमें टेली सॉफ्टवेयर में करनी होती है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट देखना, तभी आप प्रॉपर इसको समझ पाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये टैक्सेशन का से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। अगर हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इस टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में टैक्सेशन से संबंधित हमें सेटिंग कहाँ करनी होती है। तो दोस्तों, अब वैसे भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है जो लेटेस्ट यही चल रहा है, टेली ईआरपी 9 अब क्लोज हो चुका है, तो जो भी हमारी जो लेटेस्ट अपडेट रहती है वो हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही मिलती है। तो फिर भी काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोग अभी भी टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों में जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, जैसे हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है फीचर्स का, जिसकी शॉर्टकट कमांड है F11 यानी कि F11। तो जैसे हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में F11 प्रेस करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिखाई देते हैं कंपनी फीचर से रिलेटेड, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री और स्टेचरी एंड टैक्सेशन। तो दोस्तों, अगर हम इसी की बात करें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी अब आपको यहाँ पर तो वो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा F11 का, वो ऑप्शन आपको कंपनी पे जाके यहाँ ऑप्शन इसको ऐड कर दिया है। तो अब इस फीचर्स पे जाके हम क्लिक करेंगे तो आप F11 शॉर्टकट यहाँ पर भी दबा सकते हो। तो जैसा कि हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, इसके अंदर तीन अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड और स्टेचरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में F11 के अंदर कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, अकाउंटिंग से रिलेटेड आप ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन आपको कुछ यहाँ दिखाई देंगे और उसके साथ साथ टैक्सेशन से रिलेटेड ऑप्शन अब आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब जैसे हम टेली ईआरपी 9 ऑप्शन पर स्टेचरी पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टेचरी से रिलेटेड यानी कि जो हमारी टैक्सेशन से संबंधित जो हमें रिपोर्ट्स चाहिए होती है, उस सबसे पहले हमें उस टैक्स को इनेबल करना होता है, जैसा कि जीएसटी है, वेट अब क्लोज हो चुका है, इसी तरीके से चाहे वो टीडीएस है, चाहे वो टीसीएस है। तो बेसिक जो है वो सारा दोनों सॉफ्टवेयर में इक्वल ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लेआउट का इसमें जरूर डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसा कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हमारा काम होता है भी, अगर आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी की सेटिंग सबसे पहले आपको करनी होती है, वो आपको गेटवे टेली पर अगर आप हो तो शॉर्टकट आपको F11 बटन प्रेस करना है और उसके बाद में आप यहाँ से इस ऑप्शन पर आ जाओगे जीएसटी यानी कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है, जैसे हम यस करेंगे उसके बाद में ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर प्रेस करनी होगी। तो उसके बाद में जैसा कि स्टेट, उसके बाद में आपका जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, वो आपको खुद की कंपनी का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनियां रेगुलर में होती है तो कुछ कंपनी कंपोजिशन में भी होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में कुछ इस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल डेट
आपको यहाँ पर चाहिए, आप 1 जुलाई 2017 भी देख सकते हो, या आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिस दिन से आपने बुक्स में स्टार्ट करा है कंप्यूटर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो वो डेट भी आप जो आपकी बुक्स जो फाइनेंशियल ईयर की जो डेट होती है हमारी 1 अप्रैल, वो भी आप दे सकते हो। तो बेटर रहेगा आप 1 जुलाई 2017 से यहाँ से इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में जीएसटी नंबर जो आपकी खुद की कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर फिलअप करना होता है, और उसके बाद में आपकी जो GSTR 1 जो रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके भी हम 2 मोड पे अलग अलग करते हैं, मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये अगर आपकी कंपनी मंथली बेसिस पे फाइल करती है, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो मंथली की लायबिलिटी बनती है, अगर आपकी कंपनी की 5 करोड़ से कम है तो ये आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हो सकते हैं, आप मंथली भी फाइल कर सकते हो या क्वार्टरली करते हो। तो ये ऑप्शन आपको मंथली और क्वार्टरली यहाँ से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले GST वाले ऑप्शन को यस करना होगा, और उसके बाद में GST डिटेल को यस करना होगा। तो यस करने के बाद आपको स्टेट, उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो कंपोजिशन है या फिर रेगुलर है, वो आपको टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में भी बताना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपकी जो GST एप्लीकेबल फॉर्म है वो आप डेट यहाँ डाल सकते हो, कंपनी का जो खुद का GST नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और इसी तरीके से आपका जो GSTR 1 की जो लाइबिलिटी बन रही है मंथली है या फिर क्वार्टरली है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको टेली प्राइम में कुछ इस तरीके से दिखेंगे और ERP 9 में आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सेम वर्किंग है लेकिन आपको थोड़ा सा देख के इसको फिलअप करना होता है। और उसके बाद में बात आती है EV बिल एप्लीकेबल की, अगर आपकी कंपनी पे EV बिल की एप्लीकेबल लागू होती है, अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप किसी कस्टमर को 1 टाइम में 1 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस अगर आप सेल करते हो तो आपको भी EV बिल है जो बनाना कंपलसरी है, तो उस कंडीशन में आप इसको यस रखोगे। और उसके बाद में जो इसकी जो लिमिट्स हैं वो आपको जो हमारी इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू होती है उसी बेस पे हम रखते हैं, तो इनवॉइस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में दियर सोल्ड जो लिमिट्स हैं वो 1 लाख रुपए की है, तो हमें आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों के लिए आपको अमाउंट है जो यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो उसके बाद में आपको सेम ऑप्शन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देंगे, इनवॉइस फीचर से रिलेटेड, EV बिल एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फ्रॉम, इनवॉइस की जो लिमिट्स है आपकी इंक्लूड, उसके बाद में अमाउंट्स उसकी देनी पड़ेगी, अगर उसके बाद में आपकी E-invoicing एप्लीकेबल है तो आपको E-invoice भी कनेक्ट करने के देता है। तो इसी तरीके से आप प्रिंट EV बिल विद इनवॉइस, तो आप यहाँ इसको यस कर सकते हो। तो कुछ ऐसी के बेसिक सेटिंग्स होती है जो हमें शुरुआत में ही करनी पड़ती है, अदरवाइज हम बाद में अगर करेंगे तो कुछ एक रिपोर्ट्स हमें दिखाई देगी, कुछ एक रिपोर्ट्स हमारी नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से हमारी कुछ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो एडिशनल फीचर्स है सेट अल्टर GST रेट से संबंधित, उसको हम जैसे यस करेंगे तो उसके बाद में आप पर्टिकुलर आपका जो GST रेट है वो यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए अब आपकी कंपनी है पर्टिकुलर एक ही टैक्स रेट पे वर्क करती है, तो आप पर्टिकुलर एक टैक्स रेट यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी कंपनी मल्टी टैक्स रेट में वर्किंग करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो 5% की प्रोडक्ट सेल करती है, 12 का, 18 का, 28 का और टैक्स फ्री का भी प्रोडक्ट करती है, तो इस कंडीशन में आपको इस ऑप्शन को नो ही रखना है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे नो यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी पर इनेबल टैक्स एडवांस रिसिप्ट के ऊपर लाइबिलिटी अगर बनती है तो इस कंडीशन में इसको भी हम यस करेंगे, क्योंकि इसको यस करने से क्या होगा, जैसे ही हम किसी कस्टमर का रिसिप्ट करेंगे तो हमें वहाँ से वार्निंग दे देगा भी आप इसका GST है जो ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपके आप पर RCM की अगर लाइबिलिटी बनती है तो आप इस कंडीशन में इसको भी यस करोगे, और इनेबल GST क्लासिफिकेशंस इसको यस करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको यस करने से अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे हम वर्किंग करते जाएंगे इनवॉइस की प्रत्येक इनवॉइस सेल इनवॉइस पेमेंट रिसिप्ट, तो सारे ऑप्शन अब वहाँ पर हमें ये दिखाई देंगे जरूरत के अनुसार। तो दोस्तों ये तो था हमारा GST से रिलेटिंग इसको फीचर्स को इनेबल करना। और उसके बाद में बात आती है TDS की, तो हम TDS को यस करेंगे। तो TDS को यस करने का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी के ऊपर भी लाइबिलिटी बनती है वो TDS डिडक्ट करने की, तो आपको TDS जो आप कंपनी के पास नंबर होता है वो 10 नंबर जिसको हम कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर हमें डालना होता है, ये भी हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है, तो वो नंबर हमें यहाँ पर डालना होता है। और उसके बाद में ये जो डिडक्टर टाइप है आपकी जो कंपनी है या फिर आप एक इंडिविजुअल और नॉन कंपनी हो, तो उस कंडीशन में आप इंडिविजुअल अचीव सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी एक लिमिटेड कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट करोगे। तो उसी तरीके से उसके बाद में सारी डिटेल्स
रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, इसको यस करेंगे तो आपको ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल की सारे ऑप्शन यहाँ पर डालने पड़ेंगे, नाम, सन ऑफ, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, सब कुछ। तो इसी तरीके से आप टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको, जैसे हम इसको TDS को यस करेंगे, डिटेल को यस करेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी TDS डिटेक्टर डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ती है। तो इस तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में TDS से संबंधित जो हमारी डिटेल होगी, और उसके बाद में अगर TCS है, अगर आपने किसी कस्टमर का TCS कलेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में भी आपकी यहाँ पर 10 नंबर देना पड़ेगा। 10 नंबर आप चाहे TDS है चाहे TCS है, दोनों का बराबर सेम ही होते हैं, तो वो आप वन टाइम डाल के यहाँ पे रख सकते हो। और उसके बाद में हम इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे कि हम GSTR की रिपोर्ट हमें देखनी है, TDS की रिपोर्ट देखनी है, या फिर TCS की रिपोर्ट देखनी है, तो उसकी डिटेल देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, स्टेचरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, और उसके बाद में जैसा कि GST रिपोर्ट है, तो जैसे हम GST रिपोर्ट पर जाएंगे, तो ये GST से रिलेटेड जो भी हमारी स्टेचरी डिटेल्स होती है वो सारे यहाँ आ जाएगी, जैसा कि GST 1, 2, 3B, EV बिल, एनुअल रिटर्न, कॉम्पिटिशन, और इसी तरीके से जैसे चलान रिकन्सलेशन, जैसे चलान पे हम क्लिक करेंगे तो आपने जो भी चलान डिपॉजिट कराया, वैसे हम बेसिकली एंट्री क्या कर देते हैं, जैसे कि हमने SGST CGST को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, तो लेकिन वो प्रॉपर चलान आपका इस ऑप्शन में नहीं आता, तो उस कंडीशन में उस चलान को हमें रिकनसाइल करना पड़ता है, जिससे कि हमारी रिपोर्टिंग के अंदर वो सारा डाटा हमें दिखाई देता रहे, क्योंकि इसके अंदर सारे वो ऑप्शन बने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप, वाउचर का नंबर है, उसी तरीके से जो पेमेंट का आपका पीरियड है, टाइप ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है, बैंक के थ्रू है, नेट बैंकिंग क्या चीज़ है, बैंक का नाम, चलान का नंबर, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, अगर उन सभी फीचर्स को हम यस करेंगे तो। क्योंकि कई बार होता है कि हम रिपोर्ट्स कुछ और देख रहे होते हैं, लेकिन फीचर्स हमारे पर्टिकुलर ओपन ही नहीं होते, जैसा कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, और इसमें मान लीजिए जैसा कि हमने GST को इनेबल ही नहीं किया, हम F11 करते हैं, और ये मान लीजिए एक बार GST फीचर्स को हमने नो कर दिया, तो जैसे हमने इसको नो कर दिया, अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे हम कोई कंपनी में लेज़र क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट पे हम जाएंगे, लेज़र पर हम जाएंगे, अब जैसा कि हम डाल दिया हमने CGST का, हमने लेज़र क्रिएट कर लिया CGST टैक्स, अब उसके बाद में इसका ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो जैसे हम ड्यूटी टैक्सेस में जाएंगे तो हमारा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है यहाँ पर GST होना चाहिए था, लेकिन वो GST को ऑप्शन को हमने इनेबल ही नहीं किया, और यहाँ पर हम ढूंढेंगे यहाँ पे GST का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि GST का फीचर्स अगर इनेबल होंगे, सारे फीचर्स इनेबल करेंगे, तो ही हमें पर्टिकुलर वो सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर हमने किसी कस्टमर का अगर नाम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, तो मान लीजिए सैलरी डेबिटर हमने रख दिया, अगर वो कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका GST से संबंधित जो भी डिटेल्स हमारे को यहाँ पर जो दिखाई देती है वो यहाँ पर नहीं आएगी, भी आपका ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन डीलर है, रेगुलर डीलर है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ना दिखाने का कारण भी आपका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपने GST की सही नहीं करी। तो इसी तरीके से चाहे आप टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, अगर यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को इनेबल नहीं करेंगे और पर्टिकुलर सारी डिटेल्स को हम फिलअप नहीं करेंगे, तो हमारे ऑप्शन हमें आगे जाके दिखाई नहीं देंगे, चाहे हम GST की रिटर्न की बात करें, चाहे हम TDS की रिटर्न की बात करें, चाहे TCS रिपोर्ट्स की बात करें, कुछ ना कुछ एरर हमें वहाँ पर दिखाएगा भी आपकी रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पर्टिकुलर सही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा डिटेल के साथ सीखना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल पर आप विजिट कीजिए, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको टेली प्राइम की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल चाहिए, सारे फीचर्स के वीडियो वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।